दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की रिश्तेदार और रोज़ा फिल्म की एक्ट्रेस मधु के बारे में। ये तो सबको पता ही है कि एक्ट्रेस मधु हेमा मालिनी की रिश्तेदार रही हैं, उनकी रिलेशन में कज़न रही हैं। तो आज चलिए हम आपको मधु के बारे में कुछ बताते हैं। फूल और कांटे फिल्म में मधु ने अजय देवगन के साथ 1991 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। कई साल बाद एक्ट्रेस के तौर पर वो वापसी कर रही हैं। बहुत ज़्यादा नाम नहीं मिलने के बावजूद वो करतम भुगतम फिल्म में दिखाई देंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि करतम भुगतम में वो नज़र आएंगी। हेमा मालिनी के रिश्ते में मधु कज़न है, बावजूद इसके खास मदद नहीं मिली अपने करियर में उन्हें हेमा मालिनी की कज़न होने के बावजूद, फिर भी वो शुक्रगुजार है। मधु ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं हेमा जी की कज़न हूँ। जूही चावला मेरे पति के भाई की पत्नी है, हमारा पूरा परिवार एक्टिंग से जुड़ा है, लेकिन जूही जी मेरी लाइफ में तब आए जब मेरी शादी हुई। वहीं आपको बता दें कि मधु का ये कहना है, शादी के बाद एक तरह से इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी थी, उनसे जुड़ने का ना तो उन्हें इमोशनली कभी मेंटली या फिजिकली रूप से फ़र्क पड़ा। तो ऐसे में हेमा जी के परिवार से नाता होने की वजह से ज़रूर असर पड़ा उनकी ज़िंदगी पर, अच्छा ही असर पड़ा। उनकी वजह से उन्हें इज्जत काफ़ी ज़्यादा मिली। जी हाँ, उनके पिता प्रोड्यूसर थे, हेमा जी की कज़न वो हमेशा रहे, इस वजह से उन्हें सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़ा ऐसा, जिसके कारण नई लड़कियों को तकलीफ होती है। मधु ने बताया था कि उनकी वजह से फिल्म ना मिली हो भले, हिट्स ना मिली हो, लेकिन सम्मान खो मिला, इंडस्ट्री में एक्ट्रेस मिला, एक्सेस पहचान मिली, नाम मिला, जितना कि वो हकदार थी उससे ज़्यादा। मधु ने कहा, अगर मैं किसी प्रोड्यूसर की ऑफिस में जाती तो उन्हें सम्मान के साथ बैठाया जाता, उनसे पेश आते सम्मान के साथ, क्योंकि वो हेमा जी के परिवार से आती थी। ये कहना था मधु का। नेक्स्ट 9 लाइव्स ऋतिक रिपोर्ट।